टेन अल्फा, टेन क्या होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वाई अपॉन एक्स। और यहाँ से अगर हम टेन बीटा निकालें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका बेस ये है परपेंडिकुलर, ये बेस कितना हो गया आर माइनस एक्स। अब दोनों को ऐड कर दीजिए तो टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा, टेन अल्फ़ा का वैल्यू है वाई अपॉन एक्स, टेन बीटा का वैल्यू वाई अपॉन आर माइनस एक्स, ये है। क्या कीजिए, एल पहले वाई को कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा वन बाई एक्स प्लस वन अपॉन आर माइनस एक्स। वाई एलसीएम लेंगे आर माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू आर माइनस एक्स, तो माइनस एक्स प्लस एक्स गया तो क्या बच गया, यहाँ वाई, वाई बाहर में अंदर में बचा ऊपर में आर, एक्स इंटू आर माइनस एक्स, यही बचा। अब देखिए तो वाई अपॉन एक्स बच गया, ऊपर में वाई नीचे में एक्स, और फिर ऊपर में आर नीचे में आर माइनस एक्स, बच गया। ठीक है, तो ये है टेन अल्फा प्लस बीटा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, समझ गए, ये टेन अल्फा प्लस टेन बीटा का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है, ये हम लोग कैलकुलेट करके निकाल लिया। अगर टेन थीटा का वैल्यू इसके बराबर आ गया तो हम लोग सोचेंगे ये जो रिलेशन है ये रिलेशन सही है। ठीक है, कुछ नहीं किए हम, टेन अल्फा निकाल लिए यहाँ से, और ये वाला ट्रायंगल से, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, देख लीजिए यहाँ पर पेंडिकुलर, ये राइट एंगल ट्रायंगल है अल्फा एंगल के लिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है बीटा एंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल से हम टेन अल्फा टेन बीटा का वैल्यू निकाल लिए, जब दोनों को ऐड किए तो हम लोग को ये मिल चुका है वाई अपॉन एक्स इंटू आर अपॉन आर माइनस एक्स। अब हम लोग कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या लेते हैं, कोई